अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और अभी है सुबह का टाइम, मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ मलाई वाले टोस्ट, क्रीम के टोस्ट। और ये मेरी अम्मी बनाती थी बचपन से हमारे लिए, मुझे बहुत पसंद है ये। बट अभी मैं क्रीम कैलोरीज़ की वजह से ज़्यादा नहीं खाती, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, साथ थोड़ा सा मैं भी टेस्ट कर लूँगी। अभी जी एज़ यूजुअल मेरा ब्रेक का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपना लंच। और मैं इसी टाइम ही थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और आज ना एक तो मैं लाई हूँ ये केचप अलापिनो का, ये बहुत मज़े का है और मैंने सोचा कि चले मैं शेयर करूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं स्पाइस लवर बिल्कुल नहीं हूँ बट मुझे ये फ़्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो पॉसिबल हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और दूसरा मैं साथ लाई हूँ आज वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं ब्राउन ब्रेड खाते हुए, तो अब थोड़ा सा टेस्ट मुझे चेंज लगता है। बट ये कि काफ़ी दिनों बाद खाओ फिर ज़रा अच्छा लगता है, तो बस हस्बैंड के लिए लेती हूँ, तो कभी कभार एक आध मैं भी ले लेती हूँ। तो बस चले मैं अपना लंच करती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला घर जाके आपसे बात होती है। मैं घर वापस आ गई हूँ और सब्ज़ी मैं लेकर आई हूँ, अक्सर मैं ले ही आती हूँ, नहीं तो अंकल से ले लेती हूँ जो डोर पे आते हैं, बट आज मैं वापसी पे लेती भी आई हूँ। और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी ली है, और आज की सब्ज़ी में जी मैंने लिए हैं कद्दू जो मैं रात को बनाऊँगी, उसके साथ मैंने लिए हैं दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बैंगन। और ये जो बैंगन है ये मैं बनाऊँगी खटाई वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खटाई वाले बैंगन, इसमें कट्स लगा के और फिलिंग करके और फ्राई करके बहुत मज़े के बनते हैं, तो वो मैं बनाऊँगी। और धनिया मैंने लिया, धनिया बड़ा फ्रेश आया हुआ था, तो धनिया और चिलीज़ लिए हैं मैंने, तो इनकी मैं बनाऊंगी चटनी। और उसके अलावा जी आज दोपहर को खाने में कुछ ऐसा नहीं है और दिल मेरा चाह रहा था कि मैं कुछ हल्का सा खाऊं, तो मैं बनाऊंगी नूडल्स। और नूडल्स जो हैं वो मैं बहुत कम बनाती हूँ, आई थिंक महीने बाद या 2 महीने बाद बना रही हूँ, तो ले लेती हूँ एक आध पैकेट जब कुछ नहीं होता तो फिर नूडल्स होते हैं, तो बस आज मैं बनाऊँगी नूडल्स। और मैं आज ये फ़्लेवर बना रही हूँ, वैसे मैं ज़्यादा चिकन फ्लेवर बनाती हूँ बट आज मैं चटपटा बना रही हूँ। और इस टाइम मेरी मेड आ जाती है, बस वो जब तक काम करती है मैं थोड़ा सा कुछ लंच वगैरह कर लेती हूँ, तो उसको मैं कहती हूँ, डेली कहती हूँ खा लो मेरे साथ कुछ, बट वो काफ़ी लेट होता है टाइम, तो वो खाना खा के आती है तो वो नहीं खाती मेरे साथ, कभी उसका मूड हो तो वो खा लेती है बट वैसे वो इतना ज़्यादा मेरे साथ नहीं खाती है क्योंकि वो खा के आती है ऑलरेडी। आज रात जी मैं बना रही हूँ कद्दू की भुजिया, और वो मैं बना रही हूँ मीट में। उसके साथ जी मैं हाथ से कूट रही हूँ धनिया की चटनी, इसमें मैंने सिंपल छोटा सा एक लहसुन का पीस डाला है जो जोया होता है आई थिंक, जो शायद प्रोनाउंस मैं सही कर रही हूँ या नहीं, तो उसके साथ जी मैंने डाली है हरी मिर्च और नमक। और हाथ से कूटी हुई चटनी की तो बात ही और होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है जब चटनी को हाथ से कूटूँ मैं, तो वैसे तो मैं टाइम नहीं होता तो मैं ब्लेंडर में बना लेती हूँ, तो ये है कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं हाथ से ही कूटती हूँ, और इस चटनी का तो मज़ा ही हो रहा है। और सब्ज़ी के साथ टमाटर की, धनिया की, पुदीना की, इस तरह की चटनी बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस मेरी चटनी हो गई है रेडी। और जब भी मैं इस तरह की कोई चटनी बनाती हूँ मैं इस तरह से उसकी कंसिस्टेंसी रखती हूँ, इतनी गाढ़ी रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है, आप लोग भी ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट डे है ये और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इकबाल डे, और कल इंशाल्लाह ताला हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज हम लोग सारे बैनर्स और प्रॉप्स और ये चीज़ें बना रहे हैं, और मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि घर के अलावा, जॉब के अलावा इस तरह के बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो करने होते हैं डेली, और घर भी मैं लेकर आती हूँ, वहाँ पर भी करती हूँ, तो इस वजह से रूटीन थोड़ी सी बिज़ी ज़्यादा रहती है मेरी। और बस आज जो है वापसी पर
लेने तो थे, मैंने सिर्फ दही और उसके साथ राइस ख़त्म थे वो, बट जब मैं एक चीज़ लेने जाती हूँ तो मैं 10 इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें और भी ले लेती हूँ। और ये चीज़ें तो मुझे बचपन से बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे पता है हेल्दी नहीं है और इतनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बट ये है कि मुझे बचपन से ना ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और जो चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम देख लूँ जो मैंने ट्राई नहीं की हुई होती तो वो तो मुझे ज़रूर ही, जी मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बार एटलीस्ट एक बार ज़रूर ही ट्राई करूँ ऐसी चीज़ों को। तो मुझे ना मेरा मतलब पर्सनल ये थिंकिंग है कि हर चीज़ जो आप देखते हो एक बार उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, दिल में कोई हसरत कोई अरमान ना रहे। तो बेशक आप वैसे खाओ ना खाओ लेकिन एक बार ज़रूर खाने चाहिए। और सुपर क्रिस्प के तो चिप्स, पीनट्स और निमकोज, ये चीज़ें तो मुझे वैसे ही इसकी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये जी आप देख लें, ये मैं आज का स्टॉक लेके आई हूँ, और इसमें जो सबसे मज़े के थे ना वो ये पता नहीं पैटी फ्राई हैं कि क्या चीज़ इसका लिखा हुआ है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, PATI। तो ये बड़े मज़े के थे, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किए और इन सब में ना ये बड़े मज़े के थे। और टॉप पॉप्स तो हमारे जी बचपन के हैं, वो तो बहुत पुराने हैं। तकरीबन 5 बज रहे हैं, मैंने सुबह से सिर्फ 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लिए थे, कुछ भी नहीं लिया, उसके में एक में कबाब डाला था मैंने। तो घर आई तो मेड आ गई, उसके बाद मेरी नेबर आ गई, तो बस मुसलसल मैं बोल रही थी उनके साथ, और खाना खाने का कुछ भी खाने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस अभी मैंने जो है अभी मैंने बनाए हैं अपने लिए कुछ थोड़े से मसाला फ्राइज, उसके साथ जी मैंने बनाया तकरीबन ये 5 वेजेस ब्राउन ब्रेड जो है उसका स्लाइस है। तो उसके साथ जी मैंने लिया एक छोटा कबाब और 2 लिए चीज़ बॉल्स। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी फ्राइड फूड नहीं है, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि अनहेल्दी है, बट ये बिल्कुल भी फ्राइड नहीं है। और मैंने आप लोगों को अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं किस तरह से फूड बनाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ अपने फूड को, विदाउट फ्राई किए हुए किसी भी फूड को, बगैर फ्राई किए हुए मैं इंजॉय करती हूँ। तो मैं उसी तरह मैंने बनाया, विदाउट ऑयल ये चीज़ें बनी हुई हैं स्टीम में, और खाने में टेस्ट में और देखने में बिल्कुल लग रही हैं जैसे फ्राइड फूड है। तो बट ये बहुत ही मज़े का टेस्टी बना हुआ है, तो मैं बस अभी इसको इंजॉय करती हूँ। थोड़ा सा मैंने केचप भी लिया है, तो केचप मुझे अच्छा लगता है इस तरह के फूड के साथ, कैलोरीज जितनी भी हो बट थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है तो मैं लेती हूँ। तो चलें जी मैं अब अपना, अब ये पता नहीं लंच है क्या चीज़ है, 5 बजे तो मैं बस खाती हूँ, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं, थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो बस उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है, और मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं जल्दी से खा लूँ फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। और आज जी रात में बन रहा है सिंपल पुलाव, और पुलाव में बना रही हूँ मीट में, और मैं आज बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। वैसे ना मैं ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ प्रेशर कुकर में, बट आज मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि वहाँ पे स्कूल में भी काम ज़्यादा था, मैं घर में भी काफ़ी काम लेकर आई थी, और कल की मुझे तैयारी करनी थी कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से झटपट से प्रेशर कुकर में ही बना लूँ मैं। और सौंफ वगैरह को मैं अलग से बॉयल कर रही हूँ, तो ये वाटर चावलों के अंदर डालूँगी मैं। और मसाले मैंने आज बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाले हैं, बहुत ही मैंने लाइट सा बनाया और थोड़ा सॉफ्ट बनाया। तो एज अ जॉबियन मैं इस तरह के तरीके देखती हूँ कि झटपट से आपकी चीज़ें रेडी हो जाएं, बहुत मज़े की हों, बहुत यमी हों, और जान छुड़ाने वाली कुकिंग नहीं करती, तरीके देखती हूँ कि जो आपके लिए ईजी हों, बट यह है कि वो के लिए टेस्टी भी चीज़ें हों, तो मैं इस तरह से फूड बनाती हूँ। तो आज बहुत मज़े के बने हैं, थोड़े से डिफरेंट बने हैं, बट यह है कि बहुत मज़े के राइस बने हैं। तो आज हम कर रहे हैं यहाँ पे इकबाल डे सेलिब्रेट, और इकबाल डे का फंक्शन हो रहा है,
और मैं बहुत बिजी थी, मैंने बच्चों की परफॉर्मेंसेस करानी थी, प्रॉप्स वगैरह भी उनको सारे सेट करने थे मैंने, तो मोबाइल मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। बट आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, क्योंकि आप लोगों को मेरे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि चले मैं शेयर कर लूँ। और ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी हुई हुई है, और ये मुझे मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया था। अम्मी मेरे लिए माशाल्लाह जब भी लेती हैं बहुत प्यारे कपड़े लेती हैं, और ज़्यादातर लेती भी वैसे अभी भी वही हैं, तो बहुत अच्छा था। और उसके साथ जी सुबह से बहुत बिजी थे, कुछ खाने पीने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं खा रही हूँ सुपर क्रिस्प। और सुपर क्रिस्प मेरे मोस्ट मोस्ट फेवरेट हैं, मेरे बचपन के, मैं छोटी थी तब भी मुझे इतने ही पसंद थे, मैं अभी भी उतने ही शौक से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और क्वांटिटी तो इनमें कम ही होती है, बट टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। तो चले मैं अपना फंक्शन इंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज पता है मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ना जब विंटर्स आती हैं, वैसे तो लाहौर में इतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं, बट जब सर्दियाँ होती हैं तो मुझे इस तरह का सूप बहुत अच्छा लगता है। बट आज थोड़ा सा हैंड मेरे साथ ये हो गया कि मैंने ये चिकन कॉर्न सूप समझ के लिया, काफ़ी रश था और फर्स्ट टाइम मैंने उस जगह से लिया था, काफ़ी लोग ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ले लूँ। और जब मैंने ले लिया, मैंने उस टाइम देखा नहीं, जब मैं घर आई मैंने जैसे ही ये खोला तो मुझे सबसे पहले ना कैबेज की स्मेल आई, तो मैं हैरान हो गई कि इन्होंने कैबेज कैसे डाल दिया चिकन कॉर्न सूप में। तो जब मैंने उसमें स्पून डाल के देखा तो उसमें तो कैरेट भी थी, गाजर भी थी, मैंने कहा चलो जी ये फिर कन्फर्म, और उसका कलर भी इतना डार्क था तो मैंने कहा चलो ये कन्फर्म जी हॉट एंड सॉर सूप है। तो मुझे वैसे ना चिकन कॉर्न सूप ज़्यादा अच्छा लगता है, हॉट एंड सॉर मुझे कुछ ऐसा पसंद नहीं है। तो मैं इतने शौक से लाई थी कि सर्दियाँ आ गई हैं और सूप पी, और इतने दिल से लाई थी, बट मेरा ना आज दिल ही टूट गया। और आप ये देखें बगैर किसी सॉस के, उस इतना ज़्यादा उसमें मसाला था, और मैं मसाले और मिर्चें बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेती, तो मुझे बस मेरा दिल वाकई आज टूट गया। मैं ये सोच रही थी कि चलो आज खाना नहीं खाऊंगी और सूप ही पी लूँगी ये, तो बस थोड़ा बहुत अब मैंने पीना तो था, लेकिन ये है कि लाई थी थोड़ा सा तो पीऊँगी, बट ये है कि दिल मेरा बिल्कुल वहीं भर गया मेरा। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।